नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से करती हैं। माता सावित्री ने मृत्यु के देवता यमराज से अपनी पतिव्रता के बल पे, अपनी ज्ञान, अपनी वाक्पटुता, अपनी समझदारी के बल पर अपने पति सत्यवान के जीवन को वापस करने के लिए मजबूर कर दिया था। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उनकी दीर्घायु की कामना से वट सावित्री व्रत का व्रत करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से सुहागिन महिलाओं के पतियों की लंबी आयु होती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उन्हें बीमारियों से मुक्ति मिलती है और उनका वैवाहिक जीवन सुखद व्यतीत होता है। वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि बरगद के पेड़ में त्रिदेव का वास माना जाता है, अर्थात भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश का वास माना जाता है। बरगद के जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है, उसकी तनों में भगवान विष्णु का और उसकी शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। मान्यता है कि वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टलता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरगद का पेड़ काफी दीर्घायु वाला होता है। बरगद के पेड़ काफी पुराने पुराने देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए लंबी आयु और शक्ति की प्राप्ति के लिए बरगद के पेड़ की पूजा वट सावित्री के दिन की जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में वट सावित्री की पूजा ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, जिसे वट सावित्री अमावस्या भी कहा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी भारतीय राज्यों में वट सावित्री की पूजा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज मैं आप लोगों को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि, दोनों ही तिथियों की जानकारी आपको दे रही हूँ कि किस दिन वट सावित्री की पूजा की जाएगी। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना व्रत कीजिए। 2023 में वट सावित्री अमावस्या व्रत अर्थात ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 18 मई की रात में 9:42 से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन जो हो रहा है 19 मई की रात में 9:22 पे हो रहा है, अर्थात उदय तिथि के आधार पर वट सावित्री का व्रत 19 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। जो भी लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो 19 मई दिन शुक्रवार को वट सावित्री का व्रत रखेंगे। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 3 जून को सुबह 11:16 से प्रारंभ हो रहा है और पूर्णिमा तिथि का समापन 4 जून को सुबह 9:11 पे हो रहा है। तो इस तरीके से वट पूर्णिमा का व्रत 3 जून दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो जो भी गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी भारतीय राज्यों में हैं वो वट पूर्णिमा का व्रत 3 जून दिन शनिवार को रखेंगे। मेरी आप सभी लोगों से सलाह भी है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप वट सावित्री व्रत का पूजन नहीं भी करते हैं तो इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा अवश्य कीजिए, क्योंकि बरगद में त्रिदेव का वास माना जाता है और इससे अकाल मृत्यु का खतरा टलता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता सावित्री जैसा सौभाग्य, माता सावित्री जैसा शक्ति और माता सावित्री जैसा सुखी दाम्पत्य जीवन हम सभी को प्राप्त हो। आप सभी लोगों को वट सावित्री व्रत की अनंत शुभकामनाएं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के संग। नमस्कार।